अब देखो बच्चों, अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, इक्विलिब्रियम। ओके, तो देखो बच्चों, इस टॉपिक को हम टू पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, और जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, हम इन दोनों पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करें, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम को। ओके, कि ये होता क्या है और इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को डिफाइन कर लें कि इक्विलिब्रियम क्या है। तो देखो बच्चों, कोई भी फिजिकल चेंज चल रहा हो या कोई भी केमिकल चेंज चल रहा हो, उसमें जो कन्वर्जन हो रहा है कि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्जन चल रहा हो और उसी समय एक बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कन्वर्जन चलने लगे, तो जब इन दोनों कन्वर्जन के रेट, मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो ठीक है चेंजेस हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से जो बैकवर्ड डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं या कन्वर्जन हो रहे हैं, अगर वो दोनों रेट क्या हो जाएं बच्चों, बराबर हो जाएं कन्वर्जन के, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट। मीन्स हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड चेंज, ठीक है, इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड चेंज इन प्रोसेस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। समझ गए बच्चों, कि जब कोई भी चेंजेस चल रहे हो, फिजिकल हो या केमिकल, कोई प्रोसेस चल रही हो और उस प्रोसेस में जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं उसका रेट, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में चेंज या कन्वर्जन हो रहा है उसका रेट जब बिल्कुल इक्वल हो जाए, तो हम इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। सपोज ए से बी में कन्वर्जन हो रहा है और बी से ए में कन्वर्जन हो रहा है, तो जब ये दोनों रेट क्या हो जाएं, बराबर, मीन्स ठीक है रेट ऑफ, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ए टू बी इक्वल्स टू दी, ठीक है, रेट ऑफ कन्वर्जन बी टू ए, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो समझ जाओ कि इस समय क्या स्टेट आ जाती है बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस तरह के कोई भी प्रोसेस जो दोनों डायरेक्शन में चल रहे हों और दोनों डायरेक्शन के रेट अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बहुत सारे इक्विलिब्रियम अभी हम पढ़ेंगे अलग अलग। ओके, यहां तक आप समझ गए। अब देखो, अगर आप इक्विलिब्रियम में आएंगे तो आपको इक्विलिब्रियम टू टाइप्स के दिखेंगे, ठीक है, अगर आप आ जाएं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, तो आप देखोगे कि इसके टू टाइप्स दिखेंगे बच्चों आपको। एक इक्विलिब्रियम तो होता है मॉलिकुलर, कौन सा इक्विलिब्रियम, मॉलिकुलर इक्विलिब्रियम। ओके, और जो सेकेंड होगा वो होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। समझ गया बच्चों कि आपको टू टाइप्स के इक्विलिब्रियम यहां देखने हैं। एक होगा मॉलिकुलर इक्विलिब्रियम और सेकेंड है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे फर्स्ट इसी में आ जाते हैं कि मॉलिकुलर इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है, मॉलिकुलर इक्विलिब्रियम। तो देखोगे आप कि मॉलिकुलर स्पीसीजेस, ठीक है, मॉलिकुलर स्पीसीजेस पार्टिसिपेटेड इन इक्विलिब्रियम, मतलब इसमें जो इक्विलिब्रियम होगा वो मॉलिकुलर स्पीसीजेस के बीच में होगा, लाइक एज एन टू प्लस थ्री एच टू, ओके, इक्विलिब्रियम टू एन एच थ्री,
या हम ये कहें कि H2O सॉलिड, इक्विलिब्रियम H2O लिक्विड, इस तरह के जो अगर इक्विलिब्रियम दिखते हैं जिसमें मॉलिकुलर स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही हों इक्विलिब्रियम में, तो वो आता है मॉलिकुलर इक्विलिब्रियम, जिसमें हमें पढ़ना होगा, इसमें दो आएंगे हम एक लेंगे, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होगा हमारा क्या, फिजिकल इक्विलिब्रियम। समझ गए बच्चों कि एक तो हम इसमें डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में और दूसरा लेंगे हम क्या यहां पर, फिजिकल इक्विलिब्रियम। और देखो सेकेंड टाइप जो है इसका वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। समझ गए बच्चों, दूसरा जो हमारा सेकेंड टाइप है वो कौन सा है, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या होगा, आयनिक स्पीसीजेस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं क्या होंगे, पार्टिसिपेटेड इन इक्विलिब्रियम, कि जो इक्विलिब्रियम होगा उसमें आप देखोगे आयनिक स्पीसीजेस होंगी, मींस कैटायन एनायंस होंगे, और एक अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल होगा, उनके बीच में आपको इक्विलिब्रियम दिखाई देगा। मींस जैसे बी ए कोई सॉल्ट है तो ये बी प्लस ए माइनस, ओके, जैसे हम कहें कि ये है NaCl हमने डिसॉल्व कर दिया, सपोज वो इस तरह ब्रेक हो गया और उसके आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, या HCl है सपोज अगर इसके बीच में देखें H प्लस और Cl आ गया, या बी का एसिड है COOH इसमें इक्विलिब्रियम दिखाई देता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आयनिक स्पीसीजेस और मॉलिक्यूलर स्पीसीजेस इसके बीच में अगर आपको इक्विलिब्रियम दिखाई देगा तो वो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के इस तरह से टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमें यहाँ डिस्कस करने हैं, एक मॉलिकुलर इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। मॉलिकुलर में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे इक्विलिब्रियम में, इसमें कोई आयनिक स्पीसीज नहीं दिखेगी आपको, और एक होगा आयनिक इक्विलिब्रियम जिसमें आपको आयनिक स्पीसीज और मॉलिक्यूल्स इस तरह से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होंगे। अब हम आ जाते हैं पहले क्या देखें बच्चों, ये देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कि पहले हम ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, समझ गए ना, फिर हम टाइप्स में आएंगे। तो देखो बच्चों पहले तो इक्विलिब्रियम के जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं उनमें पहला ये होता है कि इक्विलिब्रियम एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, कि ये क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम इज रिवर्सिबल प्रोसेस, कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये दोनों डायरेक्शन में चलता है, सी समझ गए ना, कि ये ए से बी में कन्वर्जन और बी से ए में, और ये अपने आप चलता है, ठीक है, और ये जो प्रोसेस होगा ये कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, कि ये जो प्रोसेस चलेगा ए से बी, बी से ए में, तो ये एक रिवर्सिबल नेचर का है। तो इक्विलिब्रियम किस नेचर का है, रिवर्सिबल नेचर का। दूसरा होता है कि जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर, समझ गए बच्चों, मींस ऑल पार्टिकल्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट आर इन मोशन, समझ गए बच्चों, कि हर एक पार्टिकल मोशन में रहेगा, मींस और हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट एंड रेगुलर इन मोशन। समझ गए बच्चों कि डायनामिक नेचर का होता है इक्विलिब्रियम, मींस इसमें हर एक पार्टिकल लगातार मोशन में रहता है, इस समय फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट जो है कांस्टेंट रहेंगे, बट रेगुलर इन क्या रहेंगे, मैनर में। यहां तक बात क्लियर है, थर्ड में आते हैं, थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट होता है कि जो इक्विलिब्रियम है बच्चों, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉन्स्टेंसी ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो है ये क्या है, स्टेट ऑफ, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉन्स्टेंसी ऑफ वेरिएबल। मीन्स समझ गए कि इस समय जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज टाइम के साथ स्टेबल रहती हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं, मीन्स जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब है जैसे टेम्परेचर है, समझ गए बच्चों, प्रेशर है, वॉल्यूम है, कॉम्पोजिशन है, ठीक है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद टाइम। जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट इज द कॉन्स्टेंसी ऑफ वेरिएबल, मीन्स ये कहलाती है कि जो भी वेरिएबल्स हैं इक्विलिब्रियम के, उनकी जो वैल्यूज हैं वो टाइम के साथ क्या रहेंगे बच्चों, कॉन्स्टेंट रहेंगे। फोर्थ आता है कि गैसियस इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन क्लोज्ड वेसल। मतलब अगर गैसियस इक्विलिब्रियम को हमें अचीव करना है तो वो केवल और केवल क्लोज्ड वेसल में ही पॉसिबल है। अगर आपने ओपन सिस्टम कर दिया तो इक्विलिब्रियम रिवर्स नहीं होगा, फॉरवर्ड तो चलेगा लेकिन बैकवर्ड को जो है रिटर्न करने के लिए, बैकवर्ड को लाने के लिए जो अपोजिंग फोर्स है वो नहीं होंगे और ऐसे में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट है कि जो इक्विलिब्रियम होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम कैन अचीव्ड, ठीक है, कैन अचीव्ड एनी डायरेक्शन। मतलब जैसे ये कहें कि ये हम H2O लिक्विड ले लें तो भी हमें H2O सॉलिड का इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, या H2O हम सॉलिड ले लें तो हमें H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम मिल जाएगा एट 273 केल्विन। मतलब आप चाहें तो आइस से स्टार्ट करें तो भी आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, आइस की जगह लिक्विड से स्टार्ट करोगे तो भी इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो किसी भी डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है, ठीक है। अब आता है डेल्टा जी फॉर, ठीक है, प्रोसेस। तो ये क्या होगा बच्चों, डेल्टा जी फॉर प्रोसेस ये जो होता है जीरो होता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ गए ना कि इक्विलिब्रियम स्टेट में जो डेल्टा जी होगा प्रोसेस का वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि उस समय किसी भी प्रकार का कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता और जो उसकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीसीजेस हैं उनकी फ्री एनर्जीज बिल्कुल बराबर होती हैं, इसलिए लगातार एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। समझ गए ना। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट एक और आता है कि रेशियो ऑफ, ठीक है बच्चों, जो रेशियो है किसका, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रिमेन कॉन्स्टेंट विद टाइम। समझ गए ना कि जब टाइम के साथ जो इनका रेशियो होता है प्रोडक्ट का उसे, और इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये इक्वल होता है प्रोडक्ट जो होगा उसका हम एक्टिव मास लें अपॉन में क्या बच्चों, रिएक्टेंट का एक्टिव मास लें, या प्रोडक्ट जो होता है उसका पार्शियल प्रेशर ले लें हम अपॉन में किसका, रिएक्टेंट का। तो इनका जो रेशियो रहेगा वो टाइम के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट। कि रिएक्टेंट बढ़ा दोगे तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ा दोगे रिएक्टेंट बढ़ जाएगा, और इस तरह से दोनों का रेशियो टाइम के साथ क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। और अगर हम एक ग्राफिकली भी देखें, समझ गए ना, तो अगर हम यहां कॉन्सेंट्रेशन देखें इस तरह से और यहां टाइम देखें,
तो टाइम के साथ आप देखोगे कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस दिखते हैं। तो देखो आप इस तरह से देखोगे कि ये किसके लिए है बच्चों, प्रोडक्ट के लिए, और ये किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि टाइम के साथ पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, और जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी तो यहां पर जो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, जहां दोनों की कंसंट्रेशन अब टाइम के साथ क्या हो गई, कांस्टेंट हो जाती, समझ गए ना, फिर कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो इस समय लिया जाता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो। जब दोनों की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाए तब इस समय हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम रेट के बेस पे देखें कि यहां पर रेट ले लें हम और यहां पर टाइम ले लें, तो इस तरह का ग्राफ दिखेगा आपको उसका ऐसे। अगर अब आपसे कहा जाए कि कौन सा रेट किसको शो कर रहा है, तो देखो बच्चों ये कौन सा रेट होगा, बैकवर्ड रेट, ठीक है, और ये कौन सा रेट होगा, फॉरवर्ड रेट। कि बैकवर्ड रेट देखो पहले तो जीरो रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं था, ठीक है, और रिएक्टेंट मैक्सिमम था, तो फॉरवर्ड रेट मैक्सिमम था और बैकवर्ड रेट मिनिमम था। फिर टाइम बढ़ता गया तो फॉरवर्ड रेट में रिएक्टेंट जैसे जैसे कम होता गया, ठीक है, मतलब हम ये कहें कि ये था इस तरह से, ठीक है, कि ए बी में ज्यादा कन्वर्ट हो रहा था, कि यह हम ये कहें कि यहां पर एक ये इस तरह से ले लें कि यहां पर ये है रिएक्टेंट, ठीक है, तेजी से बदल रहा था प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट का कन्वर्जन जो रिएक्टेंट में है वो रेट कम था भी, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहां पर क्या था बच्चों, कि यहां पर जो है, अब यहां जो कंडीशन है ये वाली, यहां ले ले, तो ये जो रिएक्टेंट है, ठीक है, यहां पर इनके कन्वर्जन की रेट अब क्या हो जाती है, प्रोडक्ट के बराबर हो जाती है। कि अब दोनों रेट क्या होंगे, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में जो चेंजेस है वो बराबर हो जाएंगे, और इस तरह से यहां पर हमें क्या मिल जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। इस तरह से समझ गए ना, कि इस तरह से जब दोनों रेट बराबर हो जाए तो वहां इक्विलिब्रियम है, या फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाए तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये था हमारा इस तरह से, अगर हम एक ग्राफ ऐसे देखें कि एन टू एच टू के लिए, कि ये है एन टू प्लस क्या 3H2 और मिलके 2NH3 बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर यहां कॉन्सेंट्रेशन ली जाए, ठीक है, स्पीसीज, और यहां पर हम टाइम लें, ठीक है, तो आप देखोगे कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन में, कि जैसे हाइड्रोजन है ऐसा ग्राफ आएगा, नाइट्रोजन ऐसा ग्राफ आएगा, और जो अमोनिया है वो ऐसे आ जाएगा, ये किसका हो जाएगा, H2 का, ये किसका हो गया, N2 का, और ये किसके लिए हो गया बच्चों, NH3, कि हाइड्रोजन के मोल ज्यादा थे, ठीक है, इसलिए ऊपर आएगी लाइन, नाइट्रोजन के मोल्स कम थे नीचे आई, अमोनिया बिल्कुल नहीं था इनिशियल टाइम में, जीरो थी, फिर अमोनिया तो बढ़ती गई धीरे धीरे और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिक्रीज होते गए, और जब फिर ये टाइम के साथ आप देख रहे हैं कि यहां पर टाइम के साथ इनकी कॉन्सेंट्रेशन जब अचीव हो गई, वो हो गई, ठीक है, कॉन्स्टेंट हो गई, तो यहां पर हम कहेंगे कि कौन सी स्टेट आ गई बच्चों, ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट है जहां पर टाइम के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती, फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट बराबर हो जाते हैं, डेल्टा जी जीरो हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें याद रखना है इक्विलिब्रियम स्टेट में। यहां तक क्लियर है। अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम के बारे में।
ठीक है बच्चों, कौन सा इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे हम? मॉलिकुलर इक्विलिब्रियम। और फर्स्ट हम लेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। पहले हम किसको डिस्कस कर लें? फिजिकल इक्विलिब्रियम। समझ गए बच्चों, हम किसको डिस्कस करेंगे पहले? फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो देखो बच्चों, फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब ये होगा कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, ठीक है, इन फिजिकल प्रोसेस। यहां पर क्या लिखेंगे हम कि जो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट फेसेस ऑफ सेम सब्सटेंस इन फिजिकल प्रोसेस। कि जो डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस होते हैं उनमें एक ही सब्सटेंस की जो डिफरेंट फेसेस होंगी, समझ गए बच्चों, उन फेसेस के बीच में क्या होता है? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, उसको बोला जाता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसमें कोई नया केमिकल नहीं बनता। जैसे इसमें देखें, फर्स्ट आता है, ठीक है, इसमें अगर हम एक एक करके इनको डिस्कस करें तो पहला आएगा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड, ठीक है, इक्विलिब्रियम, या हम इसी को बोल सकते हैं फ्यूजन इक्विलिब्रियम। ये है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, मतलब इस समय ध्यान रखें कि रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू द रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। कि वो इक्विलिब्रियम जहां पर किसी सॉलिड की मेल्टिंग का रेट और उसकी फ्रीजिंग का रेट इक्वल हो, जैसे ये है H2O लिक्विड, ओके, और यहां पर ये है H2O सॉलिड एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। ठीक है, ये कौन सा है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उस समय आप देख रहे हैं कि जो लिक्विड से ये जो है फ्रीजिंग हो रही है, ठीक है, और यहां पर क्या हो रही है बच्चों? मेल्टिंग। दोनों रेट बराबर हो जाते हैं तो उसे बोला जाता है फ्यूजन इक्विलिब्रियम, ठीक है, या हम कहें सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इट अटेन इन, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। समझ गए बच्चों, ये कहां मिलता है अटेन्स? इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। उस समय रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड और रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सॉलिड दोनों बराबर हो जाते हैं, हम वाटर में इस तरह से कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। समझ गए बच्चों, अब हम कौन सा लेंगे टाइप? ये है हमारा नेक्स्ट जो है, और ये है वेपर, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, या हम इसी को बोल सकते हैं वेपोराइजेशन इक्विलिब्रियम। समझ गए बच्चों, कौन सा है ये? वेपोराइजेशन इक्विलिब्रियम। तो उस समय देखो क्या होता है, ये है रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, समझ गए बच्चों, इक्वल्स टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर। कि जो वेपर का लिक्विड में वेपोराइजेशन का रेट है वो किसके इक्वल हो जाता है? वेपर के कंडेंसेशन रेट के इक्वल हो जाता है। जैसे ये है H2O लिक्विड, ठीक है, और यहां ये H2O वेपर में चेंज हो रहा है, ये। तो यहां पर ये जो है इस तरह से लिक्विड से वेपर में, तो ये कौन सा रेट है? रेट ऑफ वेपोराइजेशन।
और यहां पर आप देखोगे ये क्या है बच्चों, कंडेंसेशन। तो ये दोनों बराबर हो गए तो ये कहलाएगा क्या, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। इट टेक्स प्लेस, ठीक है, एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जब लिक्विड को एक डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर में ले लिया जाए तो इस तरह का इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। समझ गए ना, जैसे हम कोई लिक्विड को ढक के रख दे तो एक फिक्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट और वेपोराइजेशन, ध्यान रखें, ठीक है, जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ वेपर, वही क्या कहलाता है बच्चों, वेपर, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। समझ गए ना, कि उसी को इक्विलिब्रियम, जब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाती है वेपराइजेशन की, उस समय जो प्रेशर मिलता है उसे बोला जाता है क्या, रेट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। यहां तक समझ गए, अब हम तीसरे में आते हैं। फिर एक होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम इन सबलिमेशन। समझ गए बच्चों, कि अगर कहीं सबलिमेशन चल रहा है, सबलिमेशन तो आप जानते हैं कि कौन सी स्टेट कहलाती है सबलिमेशन, ठीक है, तो उस समय जो रेट होता है, सबलिमेशन मतलब सीधा सॉलिड का वेपर में चेंज होना, कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो होगा ये सबलिमेशन, बल्कि हम ये कहें, ठीक है, ये है रेट ऑफ सबलिमेशन ऑफ सॉलिड। समझ गए बच्चों, सॉलिड के जो सबलिमेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर के इक्वल हो जाता है, या हम इसी को रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं, रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, कि जो वेपर है वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है, और तो इसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, और जब सॉलिड वेपर में चेंज होता है सीधा तो वो कहलाता है सब्लिमेशन। ये भी एक डेफिनेट रेट पे टेम्परेचर में चलता है, ठीक है, जैसे आयोडीन सॉलिड है, इसी तरह से ये है आयोडीन वेपर में चेंज हो जाए, CO2 सॉलिड है, CO2 वेपर में चेंज हो जाए, तो इस तरह से एक डेफिनेट कोई ना कोई टेम्परेचर होता है जहां पर हम ये इस इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। समझ गए ना, एट हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेट टेम्परेचर, बंद कर दें सिस्टम को तो हमें कुछ समय में ये इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। फोर्थ में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम की बात करें। समझ गए बच्चों, कि किसी भी एक सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो ये मिलता है इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जब सॉल्यूशन आप सैचुरेटेड रखते हैं तब आप ध्यान रखें कि उस समय रेट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ सॉलिड, मतलब ये हो गया सॉल्यूट, ठीक है, इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्यूट। समझ गए बच्चों, कि जो सॉल्युबल सॉल्यूट है उसके डिसोल्यूशन का रेट और उसके प्रेसिपिटेशन का रेट क्या हो जाता है, बराबर, और ये कहां मिलता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एट डेफिनेट टेम्परेचर में। ऐसा नहीं कि किसी भी टेम्परेचर में, एक डेफिनेट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर दें, एक सैचुरेट सॉल्यूशन बनाते हैं तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन इक्वल्स हो जाते हैं, उसे बोलते हैं, जैसे हम ये कहें कि ये है हमारे पास, ठीक है, शुगर है, कि ये क्या है शुगर और ये क्या है सॉलिड, आपने इसको एक्वस मीडियम में रखा, वाटर में क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया, प्लस H2। तो यहां पर जो शुगर है, ठीक है,
एक्वस कंडीशन में है, कि इस तरह से जो शुगर है वो क्या है, सॉलिड और इन सॉल्यूशन में एक्वस कंडीशन में है, तो इनके बीच में ये क्या है, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ये क्या चल रहा है, डिसॉल्यूशन, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। तो दोनों रेट बराबर हैं, जरा सा भी टेम्परेचर डाउन कर दें तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, बढ़ा देंगे तो डिसॉल्यूशन बढ़ जाएगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम, तो इन सारे इक्विलिब्रियम में आपने देखा कि मैटर का फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, केवल उनकी फेस चेंज हुई है, उनमें किसी भी प्रकार का क्या चेंज नहीं हुआ, केमिकल कॉम्पोजिशन। तो ऐसे इक्विलिब्रियम्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ओके, जो कि आपने इस तरह से देखे सारे इक्विलिब्रियम ये थे। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। अब हम आ जाते हैं किसके बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ गए बच्चों कि अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखो बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम मींस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन केमिकल प्रोसेस, उसमें फेसेस भी चेंज हो सकती हैं और कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है। तो ये कहलाएगा, मतलब यहां पर हम लेंगे कि इक्विलिब्रियम, ठीक है, एग्जिस्ट कहां पर एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट इन केमिकल प्रोसेस इन विच डिफरेंट केमिकल जो स्पीसीजेस हैं और इन इक्विलिब्रियम इन सेम फेस और डिफरेंट फेसेस। समझ गया बच्चों कि एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें बहुत सारी केमिकल स्पीसीजेस हो सकती हैं, एक दो हो सकती हैं, कम से कम दो तो होंगी, केमिकल जो स्पीसीजेस हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ सेम फेस में भी रह सकती हैं और डिफरेंट फेसेस में, वो इक्विलिब्रियम होता है, उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। सपोज ये लिखा है PCl5 गैस, ओके, और इस तरह से ये डिकम्पोज हो जाए PCl3 गैस और प्लस क्या, Cl2 गैस। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये केमिकल स्पीसीजेस एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में, इसमें सेम फेस में दिख रही हैं। अभी हम और भी देखेंगे एग्जांपल। तो इन्हीं फेसेस में डिफरेंस के कारण अगर हम देखें तो केमिकल इक्विलिब्रियम के टू टाइप्स हैं। टाइप्स में एक तो होता है होमो जीनियस इक्विलिब्रियम, समझ गए बच्चों, पहला क्या है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा कि जो केमिकल स्पीसीजेस होंगे, ठीक है, मींस रिएक्टेंट प्रोडक्ट, कौन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये जो है आर इन सेम फेस, इनकी बिल्कुल सेम फेस होगी, अलग अलग फेस में नहीं होंगे। जैसे देखो ये लिखा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्विलिब्रियम 2NH3 गैस, ओके, ये है। ठीक इसी तरह से PCl5 गैस डिकम्पोज्ड हुआ PCl3 गैस प्लस क्या, Cl2 गैस। ऐसे ही SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इक्विलिब्रियम SO3 गैस, या हम इसी तरह से आ जाएं CH3 COOH एक्वस प्लस H2O लिक्विड, वाटर ही है तो लिक्विड फेस है इनकी, एक्वस मीडियम में मतलब है कि ये लिक्विड फेस में ही होंगे, एस्टिक एसिड वाटर में डिजोल्व होंगे, तो CH3, सॉरी यहाँ पर हम दो मिनट, यहाँ पर हम एस्टिक एसिड की जगह एथाइल एसिटेट लें, हाइड्रोलिसिस लें, तो सी ये हो जाएगा हमारा, ये है CH3 COOC2H5 एक्वस प्लस H2O, तो CH3 COO एक्वस प्लस और क्या बनेगा, C2H5OH एक्वस। तो ये क्या है बच्चों, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, समझ गए ना, जिसमें आपने देखा कि इसी तरह से और भी हम लिख सकते हैं, जैसे Fe2 प्लस
एक्वस प्लस, ठीक है, एस सी एन माइनस एक्वस गिव्स एफ ई एस सी एन, ठीक है, प्लस थ्री था तो प्लस टू, और ये भी क्या है एक्वस। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें केमिकल स्पीसीज सेम फेस में होंगी। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, समझ गए बच्चों कौन सा इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो इसमें जो केमिकल स्पीसीजेस होंगे, ठीक है, मीन्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फेसेस, समझ गए ना कि इसमें जो है अलग अलग फेसेस में होंगी, मतलब कोई सॉलिड लिक्विड गैस, जैसे यहां पर लिखा है, ठीक है, NH2COONH4, ठीक है, ये सॉलिड होता है अमोनियम कार्बामेट और ये बनता है 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस, ओके। तो ये एक इसी तरह का इक्विलिब्रियम है, CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ओके। ठीक इसी तरह से NaCl, ये है सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, तो ये बना Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो ऐसा कोई भी इक्विलिब्रियम जिसमें जो स्पीसीजेस हैं, ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम एक केमिकल इसमें देखें, ठीक है, कोई भी ऐसी रिएक्शन देख सकते हैं जहां पर, अगर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम भी देखें ना, तो इसमें फिजिकल भी आते हैं। देखो अगर आप देखोगे कि इसके एग्जाम्पल कुछ और, ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम जैसे H2O, ये है लिक्विड H2O सॉलिड, ये भी आ सकता है, भले वो केमिकल स्पीसीज नहीं बदल रही लेकिन एक हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम तो है ही, H2O लिक्विड, ठीक है, H2O वेपर, इस तरह के, तो ये भी एक क्या है हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो वहां जहां पर स्पीसीज सेम फेस में दिखे वो होमोजीनियस लिखना है आपको, जहां डिफरेंट फेसेस में दिखे वो हेटरोजीनियस। तो यहां तक क्लियर है बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये तो था हमारा इक्विलिब्रियम और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स, ये था, समझ गए बच्चों। बाकी आयनिक इक्विलिब्रियम को हम डिटेल में अलग से ही डिस्कस करेंगे। तो यहां तक क्लियर है, अगला जो टॉपिक हम लेंगे उसमें हम एक्टिव मास, ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा फिर लॉ ऑफ मास एक्शन, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।